हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी आर्ट हब। सो आज मैं डिस्कस करूंगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर 2005 और इससे पहले के 2000, 2002, 2003, 2004 के प्लेलिस्ट में मैंने वीडियोस अपलोड कर दी हैं। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर विजिट कर सकते हैं। सो क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं सो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैरिज ऑफ वर्जिन चित्र किसके द्वारा चित्रित किया गया? तो ये पेंटिंग बनाए थे रफेल रफेल हाई रेनेसा आर्टिस्ट है। हाई रेनेसा आर्ट मूवमेंट इटली में चला था। थ्री आर्टिस्ट है, लियोनार्डो दा विंसी, माइकल एंजेलो एंड रफेल। प्रसिद्ध चित्र मोनालिसा किस देश के कलाकार की कृति? सो मोनालिसा पेंटिंग बनाए थे लियोनार्डो दा विंसी और ये इटली में बनाया। और कहाँ पे एग्जिबिट है? तो लूवर म्यूजियम पेरिस में। और 1501 से 1504 तक में ये कंप्लीट हो गया। और जो बनाया गया है उसका जो सरफेस है वो पॉपुलर वुड है और रेड कलर के टोन्स में मोनालिसा पेंटिंग कंप्लीट की गई है। ऑप्टिकल मिक्सचर किस आंदोलन से संबंधित है? सो ऑप्टिकल मिक्सचर है प्रभाववाद से संबंधित। और प्रभाववाद के आर्टिस्ट हैं लाइक प्रभाव, फादर ऑफ इम्प्रेशनिज्म, इनके जन्मदाता हैं क्लाउड मोनेट। और आर्टिस्ट हैं मैने, मोने, डिगास, सिनाया, सिसली, पिसारो। और जो फीमेल आर्टिस्ट है उनका नाम है बर्थ मरीसा। और ये स्टार्ट कहाँ हुआ था प्रभाववाद? तो फ्रांस में स्टार्ट हुआ था। स्नानमग्न युवतियों के चित्रकार कौन है? तो बाथर्स पेंटिंग किसने बनाई है? सजा ने। जॉर्ज ब्रॉक किस कला आंदोलन से संबंधित है? तो ये है घनवाद से संबंधित। घनवाद स्टार्ट कहाँ हुआ था? तो पेरिस में स्टार्ट हुआ था 1907 में। 1907 से 1925 तक चला था। तो पहली पेंटिंग है घनवाद की, पेंटिंग का नेम है अविन्यू की स्त्रियां। और 1925 की लास्ट पेंटिंग है म्यूजिशियन। और आर्टिस्ट है पिकासो, जॉर्ज ब्रॉक, फर्नालेजे एंड हानग्रेस। अति यथार्थवाद के किस चित्रकार ने फ्रायड के अध्ययन से ही स्वप्न की कल्पना तरंगों के कलात्मक महत्व को पहचाना? तो यहाँ पे सरलिज्म आर्ट मूवमेंट की बात हो रही है। तो उस आर्ट मूवमेंट के आर्टिस्ट है सेल्वाडोर डाली। सो इसमें ड्रीमी लाइफ से रिलेटेड पेंटिंग बनाई गई है। प्रसिद्ध चित्रकार राजा रवि वर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो राजा रवि वर्मा केरल के किलमनूर नामक ग्राम में पैदा हुए थे 1848 में। और इन्होंने भारत में ऑयल कलर की खोज की है। ऑयल कलर के जन्मदाता कहे जाते हैं। और इनके सब्जेक्ट मैटर्स जो होते थे वो इंडियन होते थे, इंडियन मैथोलॉजी को डिपिक्ट करते थे। और टेक्निक्स वेस्टर्न्स होते थे। बंगाल शैली के शीर्षस्थ कलाकार हैं अवनींद्रनाथ टैगोर। बंगाल स्कूल कब स्टार्ट हुआ था? उसका टाइम ड्यूरेशन तो 1895 से लेकर 1920 तक चला। और चरम बंगाल स्कूल का जो चरम काल था वो 1905 से लेकर के 1915 तक का है। अकबर का आर्ट स्टूडियो स्थित है? सो आर्ट स्टूडियो फतेहपुर सिकरी में है। और भी देख लेते हैं कहाँ कहाँ पर है। तो इनका आर्ट स्टूडियो 1558 से लेके 72 तक आगरा में था। उसके बाद 1572 से लेके 1585 तक फतेहपुर सिकरी में था। फिर 1585 से लेकर 1605 तक लाहौर में शिफ्ट हुआ है इनका आर्ट स्टूडियो, मतलब चित्रशाला। फिर पुनः आगरा में स्थानांतरित हो गया 1603 से लेकर 1605 तक में। बाज नामक चित्र के चित्रकार का नाम है? तो बाज पेंटिंग किसने बनाई थी? आर्टिस्ट मंसूर ने। तो मंसूर किस आर्ट मूवमेंट से बिलोंग करते हैं? तो ये मुगल एज के जहांगीर काल के हैं। किस शासक के काल में चौड़े हाशिए बनने लगे थे? तो चौड़े हाशिए शाहजहां के टाइम में बनने लगे। और सिंपल नॉर्मल हाशिए किसके टाइम में बने हैं? तो नॉर्मल हाशिए बना है अकबर के टाइम में। और अलंकृत हाशिए बने हैं जहांगीर के टाइम में और चौड़े हाशिए शाहजहां के टाइम में। महाराजा संसार चंद्र द्वारा किस शैली को संरक्षण प्रदान हुआ था? पहाड़ी शैली को। कांगड़ा शैली का प्रमुख चित्रकार कौन था? आर्टिस्ट कुशन लाल थे कांगड़ा शैली के। कांगड़ा शैली किसका पार्ट है? तो ये पहाड़ी स्कूल का। उस चित्रकार का नाम बताइए जो एक प्रसिद्ध मूर्तिकार भी थे। हाई रेनेसा आर्टिस्ट है माइकल एंजेलो। माइकल एंजेलो पेंटर, स्कल्प्टर, आर्टिस्ट और म्यूरलिस्ट भी रहे हैं। और इनकी बहुत फेमस स्कल्प्टर है लाइक पिएटा, डेविड। उच्च पुनर्जागरण काल के चित्रकार का नाम बताइए। तो हाई रेनेसा की बात हो रही है, आर्टिस्ट रफेल। और बाकी ऑप्शन में जियोत्तो, बोटिचेली और फ्रांजेली को हैं। ये अर्ली रेनेसा आर्टिस्ट हैं।
और ये आर्टिस्ट जो तो हैं ये गॉथिक कालीन आर्टिस्ट हैं, गॉथिक एज के। द वर्जिन ऑफ द रॉक्स के चित्रकार हैं, हिंदी में बोलते हैं सैलखंडों की राजकुमारी, ये पेंटिंग है लियोनार्डो दा विंसी के। गॉथिक काल के किस चित्रकार ने इंद्रधनुषी रंगों में चित्रण किया, आर्टिस्ट है मास्टर ऑफ मोलिन्स। रंगीन कांच की खिड़कियां संबंधित हैं गॉथिक एज से, गॉथिक काल से। भारतीय लघु चित्रों की परंपरा किस काल से आरंभ हुई, लघु चित्र की परंपरा पूर्वी शैली से, पूर्व मध्य काल प्राकृत शैली से। पाल शैली के चित्र होते हैं, पाल शैली के चित्र पोथिया चित्रण कहते हैं, लाइक इस तरह से स्क्रॉल पेंटिंग बनाई जाती थी जिसकी लंबाई होती थी 22 1½, मतलब 22.5, और चौड़ाई होती थी 2 2½, तो कुछ पतला और लंबा स्क्रॉल टाइप में बनता था, और अंदर देवनागरी और पाली भाषा में लेख लिखने के बाद बिल्कुल सेंटर में बुद्धा की पेंटिंग्स बनाई जाती थी। वर्ष 1630 ईस्वी में चित्रित रसिक प्रिया के चितेरे थे, आर्टिस्ट शहाबुद्दीन थे, और ये कहाँ चित्रित हुआ था, तो मेवाड़ शैली में। हाथीदांत की पटरियों पर चित्रण किस शैली में हुआ, अलवर शैली में। अलवर शैली किसका पार्ट है, तो ये है राजस्थानी शैली का। किशनगढ़ चित्रण किस राज्य से संबंधित है, राजस्थान से। किशनगढ़ में एक बहुत फेमस पेंटिंग है बनी ठनी, बनी ठनी पेंटिंग को बनाए हैं आर्टिस्ट निहाल चंद, और उस टाइम में राजा थे राजा सावंत सिंह। नागरी दास के काव्य में राधा के सौंदर्य वर्णन का आधार रहा है, तो क्या था, बनी ठनी। बनी ठनी को भारतीय मोनालिसा भी कहा जाता है। अकबर काल की सर्वश्रेष्ठ कृति, अकबरनामा में कौन सी सबसे सर्वश्रेष्ठ पेंटिंग है, तो सलीम का जन्म। पॉल सेज़ा किस शैली के चित्रकार थे, पॉल सेज़ा थे पोस्ट इंप्रेशनिज्म, उत्तर प्रभाववाद, और आधुनिक कला के जन्मदाता भी कहे जाते हैं पॉल सेज़ान। निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों के द्वारा करवाया गया था, तो खजुराहो के मंदिर का निर्माण चंदेल शासक के थ्रू कराया गया। फ्रांस की लस्कस गुफा की खोज कब हुई थी, 1940 ईस्वी में हेनरी ब्रुएल के थ्रू, और ये प्रागैतिहासिक काल की गुफा है दक्षिणी फ्रांस में। रोकोको कला विकसित हुई, तो रोकोको कला शुरुआत हुआ था फ्रांस में, तो डिस्कस कर लेते हैं ये फ्रांस में स्टार्ट हुआ था और कहाँ पर एंड हुआ था, तो इंग्लैंड में। तो ध्यान रखिएगा रोकोको फ्रांस में स्टार्ट हुआ और इंग्लैंड में एंड हुआ है, और इसके जन्मदाता लाइक फादर किसने, इसका फाउंडर इज्म, इस इज्म के आर्टिस्ट कौन है, तो रॉबर्ट द कोट्टी और जेम मैरी ऑन्टोनाइन। निम्नलिखित में से कौन भारतीय आधुनिक कला में सबसे उम्रदार चित्रकार है, तो सबसे ज्यादा एज किसकी थी, देख लेते हैं। सतीश गुजराल 1925 में पैदा हुए, मंजीत बाबा 1900, सबसे ज्यादा एज थी एम एफ हुसैन, क्योंकि एम एफ हुसैन का जन्म 1915 में हुआ, और सतीश गुजराल 1925 के, और तैयब मेहता का भी 1925 से, मंजीत बाबा। गुआश रंगों की प्रकृति कैसी होती है, अपारदर्शी, ओपैक टेक्निक, और गुआश टेक्निक मतलब कलर कौन से होते हैं, तो पोस्टर्स कलर। पेंटिंग है घोड़े और घुड़सवार, चित्र किसने बनाया है, तो पॉल सिग्नाक। पॉल सिग्नाक किस आर्ट मूवमेंट से बिलोंग करते हैं, तो ये है पॉइंटलिज्म, जिसे नियो इम्प्रेशनिज्म, जिसे बोलते हैं नव प्रभाववाद। नव प्रभाववाद के जन्मदाता जॉर्ज सूरट हैं, और उसी के मेंबर हैं पॉल सिग्नाक, उन्होंने पेंटिंग बनाई है घोड़े और घुड़सवार। डॉक्टर गाचे का चित्र किसने चित्रित किया, सो डॉक्टर गाचे की पेंटिंग बनाए हैं विंसेंट वैन गॉग। ताश के खिलाड़ी चित्र किसने चित्रित किया, पाउल सजा। अभिव्यंजनावाद किस देश के कलाकारों के द्वारा शुरू की गई थी, जर्मन, और आर्टिस्ट थे कौन अभिव्यंजनावाद के, तो एडवर्ड मुंक थे, और टू पार्ट्स में अभिव्यंजनावाद को डिवाइड किया गया था, एक था ब्लू राइडर ग्रुप और दूसरा था डाई ब्रुकले। डाई ब्रुकले के जो फाउंडर थे वो थे लुडविंग किशनर, और ब्लू राइडर ग्रुप के वेस्ली कंडेंस्की। सेल्वाडोर डाली किस कला आंदोलन से संबंधित है, अति यथार्थवाद, इंग्लिश में बोलते हैं सरलिज्म आर्ट मूवमेंट, 1924 से स्टार्ट हुआ था, 1945 तक चला था फ्रांस में, और ड्रीम लाइफ से रिलेटेड पेंटिंग बनाई जाती थी अति यथार्थवाद में।
किस चित्रकार ने अपना कान काटकर अपनी प्रेमिका को भेंट किया था? आर्टिस्ट विंसेंट वैन गॉग। विंसेंट वैन गॉग पोस्ट इंप्रेशनिज्म आर्टिस्ट हैं। क्लॉड मोने किस कला आंदोलन के चित्रकार थे? तो क्लॉड मोने पोस्ट सॉरी इंप्रेशनिज्म आर्ट मूवमेंट के हैं, प्रभाववादी कलाकार, और इन्हें फादर ऑफ इंप्रेशनिज्म भी कहा जाता है। चित्र लव ऑफ जुपिटर के चित्रकार कौन है? कैराविजो। कैराविजो किस आर्ट मूवमेंट से बिलोंग करते हैं? तो ये हैं बरूक आर्टिस्ट। राजा रवि वर्मा के चित्र का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पर है? सालारगंज म्यूजियम, हैदराबाद। मोनालिसा चित्र की पृष्ठभूमि में निम्नलिखित में से क्या दर्शाया जाता है? तो लैंडस्केप है बैकग्राउंड में, दृश्य चित्र। और मोनालिसा पेंटिंग किसने बनाई है? आर्टिस्ट लियोनार्डो दिविंसी ने। पेंटिंग है सेक्रेट एंड प्रोफेन लव। किसने चित्रित किया? टिशियन ने। टिशियन हाई रिनेसा आर्ट मूवमेंट में टू इज्म चले थे। एक तो था फ्लोरेंस, जो फ्लोरेंस के आर्टिस्ट हैं लियोनार्डो दिविंसी, माइकल एंजेलो एंड राफेल, और सेकंड वेनिस। हाई रिनेसा में एक पार्ट वेनिस सेक्शन चला था, उसके आर्टिस्ट था टिशियन। तो जॉर्जियानो, टिशियन, कैराविजियो, लोरेंजो तिल्लो, ये भी हाई रिनेसा आर्टिस्ट हैं लेकिन वेनिस गढ़ के हैं। उस चित्रकार का नाम बताइए जो मूर्तिकार भी थे। आर्टिस्ट माइकल एंजेलो। किस देश की कला को अंत्येष्टि संबंधित कला कहा जाता है? तो वो मिस्र, इजिप्ट की कला को, क्योंकि इनका बिलीव था आफ्टर आफ्टर डेथ भी एक लाइफ होती है। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टास्क ये है कि इजिप्ट फेमस क्यों है? मिस्र, तो मिस्र उनके लिए क्या बोलते हैं, पिरामिड्स के लिए फेमस है। थ्री पिरामिड्स बहुत पॉपुलर हैं, खुफरे, खफरे एंड मैनकुरे। मैनकुरे के, खफरे के सेंटर में एक मूर्ति बनाई गई है, स्फिंक्स। स्फिंक्स बहुत पॉपुलर है, लाइक उसका जो बॉडी है वो लायन का है और फेस ह्यूमन बीइंग का है। और सेकेंडरी यहाँ पर एक पेपिरस, पेपिरस पर मतलब छाल था, उस पर पेंटिंग्स की गई थी, लाइक कुछ कैलीग्राफी टाइप इंस्टॉल किया गया था। और थर्ड, इजिप्ट का फेमस पार्ट ये है कि यहाँ पे कौन सी लिपि लिखी जाती है? तो हेरोग्लिफिक लिपि। आईने अकबरी पुस्तक के लेखक कौन थे? अबुल फजल। और सेकंड की बात कर लेते हैं, आईने अकबरी के आर्टिस्ट कौन है जिन्होंने उसमें पेंटिंग्स बनाई है? तो आर्टिस्ट है दसावंत। अगर आर्टिस्ट आ जाएगा तो दसावंत राइट होगा, और पुस्तक के राइटर अबुल फजल हैं। जहांगीर के दरबार के पक्षियों का सबसे अच्छा पेंटिंग कौन करता था? तो आर्टिस्ट मंसूर। अजंता गुफा चित्रों का प्रमुख विषय क्या है? बौद्ध धर्म। अजंता गुफा स्थित है महाराष्ट्र में। कंपनी शैली के प्रमुख चित्रकार कौन थे? ईश्वरी प्रसाद। लास्ट है ईश्वरी प्रसाद यहाँ के आखिरी आर्टिस्ट। कंपनी शैली की खोज हुई थी 1943 ईस्वी में पीसी मानक के थ्रू। प्रारंभिक ईसाई काल के चित्र सर्वप्रथम कहाँ बनाए गए हैं? तो बनाए गए हैं प्रारंभिक काल के समाधियों पर, कैटाकॉम्ब भित्ति चित्र। नुकीले मेहराब वाले भवनों का निर्माण किस युग में हुआ? गॉथिक में। किस तरह से मेहराब बना, लाइक इस तरह से बनाया जाता था। राग रागिनी के चित्र भारत के किस राज्य में, किस प्रदेश में मुख्यतः बनाए गए हैं? राजस्थान में। निहाल चंद किस शैली के प्रमुख चित्रकार हैं? किशनगढ़। स्पेन की किस गुफा में उंगलियों से बनाई गई रेखाएं हैं? अल्तामिरा। अल्तामिरा की खोज हुई थी 1879 में, आर्टिस्ट एक छोटी सी बच्ची थी मारिया सांतोलाना, उन्होंने खोज किया था। फ्रेंको कैटाब्रियन क्षेत्र संबंधित है प्रागैतिहासिक काल से। उत्तरी स्पेन और दक्षिणी फ्रांस जो वहाँ यूरोप में है उसे फ्रेंको कैटाब्रियन कहते हैं। अजंता की गुफाओं की कुल संख्या कितनी है? तो टोटल 30 केव्स हैं। अजंता के चित्र माता पुत्र, यशोधर और राहुल किस गुफा में बनाई गई है? केव नंबर 17 में। यूरो फ्रेस्को चित्रों की टेक्निक का प्रभाव भारत के किस शैली पर पड़ा? तो भारत के जयपुर फ्रेस्को शैली पर। और जयपुर फ्रेस्को को किस नाम से जाना जाता है? तो जयपुर आरायशी पद्धति, यहाँ पर गीली भित्ति पर काम होता था। जयपुर के चित्रकारों का प्रिय विषय क्या था? बिहारी सतसई। जयपुर से अलवर आने वाले चित्र भित्ति चित्रकार कौन थे? डालू राम।
प्रागैतिहासिक कला का अर्थ है इतिहास के पूर्व की कला। गर्निका नामक चित्र किसने चित्रित किया? आर्टिस्ट पिकासो ने 1937 में। गजगामिनी फिल्म किस कलाकार ने बनाई थी? मकबूल फिदा हुसैन। बादामी गुफाएं किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? बीजापुर पर्वत श्रेणी में। बादामी गुफा की खोज 1935 ईस्वी में स्टेला क्रैमरिच ने की थी, और यहाँ पर बादामी गुफा में टोटल 4 गुफा हैं, और सबसे पहले जो शैव धर्म से संबंधित गुफा मिली है वो बादामी गुफा है। यूरोप की कला में किस कलाकार को डिवाइन पेंटर कहा जाता है? रफेल को। घरों में लाशों को रखते थे तो वो आर्टिस्ट थे, स्वच्छतावाद रोमांटिसिज्म आर्ट मोमेंट की बात हो रही है, आर्टिस्ट जेरिकार्ड। इनकी फेमस पेंटिंग है जो 1819 में इन्होंने बनाई है, रेफ्ट ऑफ मेडुसा, मेडुसा का बेड़ा। छितेंद्रनाथ मजुमदार नामक प्रसिद्ध चित्रकार के कला गुरु, तो छितेंद्रनाथ मजुमदार के आर्ट टीचर रहे हैं अवनींद्रनाथ टैगोर, बंगाल स्कूल के फाउंडर, और छितेंद्रनाथ मजुमदार अलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर बने थे 1942 में, और इन्हें शिशिर कुमार घोष ने चैतन्य सिद्ध कलाकार भाव का सम्राट कहा है। कलकत्ता आर्ट विद्यालय के प्राचार्य थे, सो कोलकाता आर्ट स्कूल के टीचर रहे हैं ईवी हैवेल। कब बने थे? 1896 में। इससे पहले ये मद्रास में 1884 में टीचर रहे हैं ईवी हैवेल। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टास्क ये है कि कोलकाता आर्ट विद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1854 में हुई थी। निम्नलिखित में से कौन 20वीं शताब्दी का महान चित्रकार था? 20th सेंचुरी की बात हो रही है, पैब्लो पिकासो। परिप्रेक्ष्य की दृष्टि से हमें घन के कितने पक्ष दिखाई देते हैं? पर्सपेक्टिव की बात हो रही है, तो पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग हमें 3 दिखाई देते हैं। बशावन चित्रकार थे किसके टाइम में? मुगल काल के। मुगल काल में अकबर के टाइम में। बारहमासा चित्रण किस काल में चित्रित हुआ था? राजपूत काल में। मशौली शैली में चित्रित गीत गोविंद के चित्रकार कौन थे? गीत गोविंद के चित्रकार थे आर्टिस्ट मानकू। तो मानकू ऑप्शन में नहीं है, तो राइट आंसर उपरोक्त में से कोई नहीं सही होगा। देवीदास ने रसमंजरी चित्रित किए थे, मनोहर मेवाड़ शैली के थे, इन्होंने रामायण से रिलेटेड पेंटिंग्स बनाई है। भारतीय कला का स्वर्ण युग है, गोल्डन एज, गुप्त काल। पटना कला का विकास किन दो शैलियों के मिश्रण से हुआ था? कंपनी स्कूल की बात हो रही है, तो इंडियन और यूरोपियन, तो यूरोपीय और भारतीय राइट होगा। बिजेंटाइन कला में छतों और दीवारों को किस विधि में अलंकृत किया गया था? मणिकुट्टम, मोजैक टेक्निक्स में। पूरे मध्यकालीन प्राकृत कला है, चित्रों में भाव का पूर्ण भाव। कोटा शैली के उत्कृष्ट भित्ति चित्र देखने को मिलते हैं कहाँ पर? तो झाला जी की हवेली में। राजा उमेश सिंह ने किस चित्र शैली को मौलिकता प्रदान की? कोटा शैली को। कोटा शैली फेमस क्यों है? तो हंटिंग सीन, शिकार दृश्य के लिए। बूंदी शैली के चित्र दूज का चांद देखते हुए प्रेमी युगल, पेंटिंग किसने बनाई थी? आर्टिस्ट मोहन ने। बूंदी शैली में चित्रित किस शैली के, मतलब रंग कैसे यूज किए गए हैं बूंदी शैली में? सो बूंदी शैली में चटकीले ब्राइट कलर्स यूज किए गए हैं। भरत मुनि के रस तत्व के आधारभूत विषय हैं नाट्य में रस की उत्पत्ति। प्लेटो द्वारा लिखित ग्रंथ है, तो प्लेटो ने सिंपोजियस लिखा है, और क्रिटिक ऑफ जजमेंट इमैनुअल कांट की है। रस का प्रमुख तत्व है नाट्य। अल्तामिरा गुफा कहाँ स्थित है? स्पेन में। किसके संरक्षक में अमीर हमजा, दास्ताने अमीर हमजा की पेंटिंग्स हुई है अकबर के एज में। प्राकृत चित्रकला में पाल चित्र
शैली के प्रमुख विषय हैं, तो पाल शैली के प्रमुख विषय थे बौद्ध धर्म। बालवधु किसकी कृति है? बालवधु पेंटिंग अमृता शेरगिल बनाई थी। हेनरी मैटिस किस कला आंदोलन के कलाकार हैं? जंगलवाद, जिसे बोलते हैं फैवरिज्म। पॉप कला शैली किसने आरंभ किया? पॉप आर्ट स्टार्ट किए थे। मैं कंफ्यूज हूँ क्योंकि इसमें राइट आंसर नहीं है। पॉप आर्ट स्टार्ट किए थे एंड्री वरहॉल। बैलेट नृत्य को चित्रित करने वाले प्रभाववादी कलाकार कौन थे? तो बैलेट रिहर्सल, बैलेट पेंटिंग कौन करते थे? एडवर्ड डिगास। कौन सा कला आंदोलन गति पर आधारित है? मूवमेंट, फ्यूचरिज्म, भविष्यवाद। भविष्यवाद के फाउंडर हैं फिलिप्पो टोमासो मार्टिनी, और स्टार्ट हुआ था फ्यूचरिज्म इटली में, और इसमें लाइक स्पीड को कैप्चर किया गया था। भविष्यवाद किस देश में प्रारंभ हुआ था? फ्यूचरिज्म इटली में। अजंता की किस गुफा में हंस जातक चित्रित किया गया है? गुफा नंबर 17 में। सम्यावच्छवेद का सिद्धांत किस वाद से संबंधित है? भविष्यवाद से। मणिकुट्टम पद्धति में किस वस्तु का प्रयोग किया जाता है? संगमरमर का। और मणिकुट्टम को इंग्लिश में बोलते हैं मोजैक, मोजैक आर्ट बैंजेंटाइन में हुआ है। मोनालिसा चित्र किसने बनाया? मोनालिसा पेंटिंग लियोनार्डो दिविंसी ने। सिस्टाइन चैपल की छत किसने चित्रित किया? माइकल एंजिलो ने। स्कूल ऑफ एथेंस किस चित्रकार की कृति है? पेंटिंग रफेल की। रफेल बनाए कब थे स्कूल ऑफ एथेंस? 1508 में स्टार्ट किए थे और 1511 में कंप्लीट हो गया था। और ये कहाँ पर बनाए थे? इन्होंने बनाया है वेटिकन। लॉफिंग कैवेलियर चित्र किसने चित्रित किया? फ्रेंच हेल्स ने। और फ्रेंच हेल्स फेमस क्यों है? तो ये व्यक्ति चित्र पोर्ट्रेट के लिए फेमस है, इन्होंने पोर्ट्रेट बनाया काफी। निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार बालों के अद्वितीय चित्रांकन के लिए फेमस है? आर्टिस्ट अल्बर्ट ड्यूरर। अल्बर्ट ड्यूरर जर्मन के आर्टिस्ट हैं और ये वुडकट के लिए फेमस हैं। यथार्थवाद का प्रमुख चित्रकार कौन था? रियलिज्म आर्ट मूवमेंट की बात हो रही है, ग्यूस्टर कॉर्बेट। और रियलिज्म आर्ट मूवमेंट कहाँ स्टार्ट हुआ था? तो फ्रांस में। और इसमें किस तरह की पेंटिंग्स के कैरेक्टरिस्टिक किए हैं कि लाइक रियल लाइफ को लेकर ये पेंटिंग डिपिक्ट करते थे, कोई आर्टिफिशियल को इन्होंने कैप्चर नहीं किया है। जो एक्चुअल में किसी ह्यूमन बीइंग की लाइफ होती है, उसके मतलब फीलिंग्स होते हैं, उससे रिलेटेड यहाँ पे पेंटिंग बनाए हैं ग्यूस्टर कॉर्बेट। अवनियों की स्त्रियां चित्र किसने बनाई है? यहाँ अवनियों सुंदरियां लिखा है, तो आर्टिस्ट पैब्लो पिकासो। और ये पेंटिंग बनाई कब गई थी? 1907 में। और क्यूबिज्म आर्ट मूवमेंट का ये फर्स्ट पेंटिंग है अवनियों की स्त्रियां। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का चित्र प्रयोग किया गया है? लाइक ये जो पोटरी बनी हुई होती थी, बर्तन है, वो रेड कलर्स के बनाए जाते थे और उस पर ब्लैक कलर से आउटलाइनिंग या फिर ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स को ड्रॉ करते थे। बौद्ध ग्रंथ विनय पेटिका किस धर्म से संबंधित है? पाली धर्म से। बाघ गुफा चित्रों पर किस शैली का प्रभाव था? अजंता। भारत के उस राज्य का नाम बताइए जहां बड़े आकार में कपड़े पर पाबूजी हड्डूजी का जो पेंटिंग्स बनाया जाता था, तो राजस्थान। गायिकाएं चित्र बाघ गुफा की किस संख्या गुफा में बनाया गया है? गुफा नंबर 4 में बनाया गया है। बाघ गुफा की खोज 1818 ईस्वी में हुई थी, डेंजरफील्ड ने खोज किया था। और बाघ गुफा फेमस है चित्रों के लिए, प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए। टोटल यहाँ पे 9 केव्स मिले हैं, 9 गुफाएं। मृतकों की पुस्तक किस काल में लिखी गई है? सो डेथ ऑफ बुक मिस्र की है, इजिप्ट। काली आकृति वाली शैली के चित्र किस युग में बनाए गए थे? ग्रीक, यूनान में। मिर्जापुर क्षेत्र किन पहाड़ियों पर भारतीय गुफा चित्र बने हुए हैं? कैमूर की पहाड़ियों पर।
मिर्जापुर गुफा की खोज 1880 ईस्वी में आर्चिबाल्ड कार्लाइल ने की थी, और 1883 ईस्वी में जॉन कॉकबर्न ने यहाँ से एक लेख प्रकाशित किया, घोड़मंगर से गेंडे का आखेट। होशंगाबाद क्षेत्र के आदमगढ़ पहाड़ी में चित्र हैं, प्रागैतिहासिक चित्र हैं। होशंगाबाद गुफा की खोज 1922 ईस्वी में मनोरंजन घोष ने की है। फ्रेस्को सेको चित्र में चित्रित चित्र के लिए प्रकार की भित्ति चित्र का प्रयोग किया जाता है, तो फ्रेस्को शेक्को में सूखी भित्ति का यूज किया जाता है। देखिए फ्रेस्को टू टाइप्स के हैं, टू टाइप्स में डिवाइड किया गया। फर्स्ट है फ्रेस्को ब्यूनो और सेकंड फ्रेस्को सेक्को। तो सूखा से सेको लर्न कर लीजिए, और जो गीली भित्ति है वो फ्रेस्को ब्यूनो है। फ्रेस्को ब्यूनो में ज़्यादा यूरोप में काम हुआ है, और भारत में फ्रेस्को ब्यूनो में जयपुर अरायसी में बनाया गया है म्यूरल्स, और मुगल एज में दसावन ने अपने म्यूरल्स में गीली भित्ति का यूज़ किया है, फ्रेस्को ब्यूनो टेक्निक का। और अदरवाइज अगर और किसी जगह पूछा जाएगा तो फ्रेस्को सेको राइट होगा। फ्रेस्को सेको टेक्निक भारत की किस चित्रित शैली से संबंधित है? अजंता। अजंता की चैत्य गुफा थी। चैत्य देखिए टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक चैत्य है सेकंड विहारा है। तो चैत्य किसे कहते हैं? चैत्य प्रेयर हॉल को कहते हैं, और विहारा लिविंग प्लेस जहाँ पर प्रार्थना करते हैं उसे चैत्य कहते हैं। सो राइट आंसर होगा पूजा पूजा उपासना का स्थल, और जहाँ पर बुद्ध निवास करते हैं सोते हैं उसे बोलते हैं। ब्रिटिश दृश्य चित्रकार का नाम बताइए। जॉन कॉन्स्टेबल। जॉन कॉन्स्टेबल की नव प्रभाववाद का संस्थापक कौन था? नियो इम्प्रेशनिज्म आर्ट मूवमेंट के फाउंडर रहे हैं जॉर्ज सूरेट। और नव प्रभाववाद में किस तरह की पेंटिंग बनाई गई है? लाइक उन्होंने पेंटिंग्स कैनवस लिया, ठीक सरफेस ले ली कैनवस, कैनवस पर हमने प्राइमरी कलर्स लिए। सो सिंपल तरीके से इस तरह समझ लीजिए, लाइक हमने व्हाइट कैनवस लिया और रेड कलर अप्लाई करी डॉट के थ्रू, और डॉट के थ्रू ही मैंने येलो कलर अप्लाई किया, तो इन दोनों के स्पेस में यहाँ पर जब हम देखेंगे आइज दूर से तो वो कलर्स हिप्नोटाइज होकर ऑरेंज कलर शो करेंगे जब टू कलर्स को मैच करेंगे। तो उन्होंने इस तरह की पेंटिंग्स बनाई है पॉइंटलेस में, मतलब डॉट डॉट में, लाइक ऑरेंज रेड और येलो, तो रेड और येलो का कंट्रास्ट ऑरेंज कलर ऑटोमेटिकली शो होता है दूर से देखने पर। सो इस तरह से उन्होंने कंपोज किया है। द बाथर्स चित्र किसने चित्रित किया? आर्टिस्ट पॉल सेजान ने। भारत कला भवन बनारस के संस्थापक निदेशक कौन थे? राय कृष्णदास। मेडुसा का बेड़ा, द रेफ्ट ऑफ मेडुसा पेंटिंग किसने बनाई? थियोडोर जेरिकॉल्ड ने। 1819 में ये पेंटिंग बनाए थे ऑयल ऑन कैनवस पर, और लूवर म्यूजियम पेरिस में एग्जिबिट है। बिंदुवाद का कलाकार कौन था? पॉइंटलिस्म आर्ट मूवमेंट की बात हो रही है, जॉर्ज सोरेट। पैब्लो पिकासो पैदा हुए थे स्पेन में 1883 में। स्पेन के अति यथार्थवादी कलाकार कौन थे? सो सरलिज्म आर्ट मूवमेंट के बारे में डिस्कस हो रहा है, तो स्पेन में बॉर्न हुए थे सेल्वेडर डाली। पटचित्र राजस्थान की किस शैली में अधिक बने? नाथद्वार शैली में। रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्र किस शैली के हैं? आधुनिक शैली के। सो 125 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं फ्रेंड्स। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं और आपने कंटिन्यू वीडियोस को देखा है, सो अगेन वेरी वेरी थैंक यू, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।